कि ये जो किसानों का जो आंदोलन है ये हाथी की तरह होता है। हाथी जैसे खड़ा होने में मुश्किल थोड़ा सा समय भी लगता है और ऐसा लगता है देखने वाले को कि इससे पता नहीं इतना भारी वेट का ये खड़ा भी हो पाएगा या नहीं, लेकिन जब वो हाथी खड़ा हो जाता है तो उसे रोकना भी किसी के बस की बात नहीं। तो किसान आंदोलन एक हाथी की तरह है और किसान की पावर असीम है भगवान हनुमान की जी की तरह। तो किसान खड़ा हुआ है अभी नहीं? किसान इस देश का 70% 80% जो किसान और किसान से जुड़े कामों से जो जुड़ा हुआ है वो हर आदमी आज खड़ा हुआ है। सरकार आज इस अपने जो एक ये कह रही है मुट्ठी भर लोग हैं इस घमंड में चूर है कि इन्होंने अपने पहले अपने जो इनके फैसले थे सरकार के उन फैसलों से इनको लग रहा है कि मैंने देश के किसानों की देश के आम वर्ग की है ना कमर तोड़ दी तो इसलिए हमारे खिलाफ कोई आएगा तो है नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो क्रांति के बीज को मरने नहीं देते। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि ये जो पंचायत हो रही है मुजफ्फरनगर में ये यूपी चुनाव को देख कर हो रही है, डराने की कोशिश की जा रही होगी सरकार। इसमें कोई शक नहीं है, ये सरकार चुनाव की भाषा समझती है। इस चुनाव इस सरकार से जब ये कहा शुरू में कि काले कानून रद्द करो तो इन्होंने कह दिया कि हम तो राजस्थान में पंचायत के चुनाव जीत गए। बाद में जब 9 महीने तक बाद जो आई है बीच में गुजरात के स्थानीय निकाय के चुनाव आए तो इन्होंने कहा हम तो गुजरात के स्थानीय निकाय के चुनाव जीत गए। तो इसका मतलब वो ये जोड़ कर दिखा रहे हैं जनता को कि भाई देश का किसान तो हमारे साथ, हम बार बार चुनाव जीत रहे हैं। तो अभी भी कह रहे हैं हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के जो हमारे नेता है जिनकी दूरदृष्टि सोच है उन्होंने बंगाल में ये फैसला ले लिया था कि चलो भाई ये सरकार ना इंसानियत की भाषा समझती है ना ये लोकतंत्र की भाषा समझती है और अब तो ये कानून की भाषा भी नहीं समझती। देश का एक SDM IAS अफसर होता है और वो किस तरह वीडियो बनवा कर वायरल करवा रहा है तो क्या संदेश था ये? तो ये सरकार ना नैतिकता की भाषा समझती है ना लोकतंत्र की। हरियाणा में किसानों का सर कोई पहली बार थोड़ा ही फूटे हैं, इस आंदोलन के बीच कई बार लाठीचार्ज हुआ। देखो लाठियां चलना, पब्लिक को रोकना, ये सब अलोकतांत्रिक है, लेकिन इस तरह से SDM का निकम्मापन ये स्पष्ट करता था ये सरकार ना कानून को मानने वाली है ना लोकतंत्र को मानने वाली है ना इंसानियत को की भाषा समझती है। नहीं, हरियाणा में परिस्थिति क्यों बिगड़ जाती है? हरियाणा देखो सबसे ताकतवर कौम आंदोलन करती है हमेशा, जिसके पेट में रोटी नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, वो आंदोलन कैसे करेगा? तो यूपी के भूखे हैं क्या किसान? यूपी की बात नहीं कर रहा मैं, आप तो यही कह, मैं देश के अन्य किसानों की कह रहा हूँ जिनको MSP नहीं मिलता, उसको उस दुख का पता ही नहीं कि जब आप एक शर्ट पहने हुए तन पे और एक बाबा जैसे बगैर शर्ट का है और मैं अपना एक तुगल की फरमान जारी करूं कि अपने सब शर्ट उतारो तो गुस्सा आपको आएगा क्योंकि आपके शर्ट पहन रखे हो, बाबा के पास शर्ट है नहीं तो बाबा को क्यों गुस्सा आएगा? तो पंजाब है, हरियाणा है, वो MSP ले रहे थे सरकार की बाह मरोड़ कर। जो इनके संगठन थे वो किसी की भी सरकार रही हो चाहे उनकी बाह मरोड़ कर अपने किसानों का उनका हक दिलवाते थे। जब इनके ये जो तेल काले कानून आए तो किसानों ने ये पता लगा और उन संगठनों ने समझा दिया कि भैया आगे से ना MSP होगी ना तुम्हारी जमीन बचेगी, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियाँ कंपनियों के खेतों में सिर्फ दिहाड़ी पर नहीं, दिहाड़ी करना कोई बुरी बात नहीं होती, सिर्फ रोटी रोटियों के लिए मजदूर बनेगी। तो सरकार वही तो कह रही है कि ये जो बिचौलिया है ना इनकी बिचौलीगिरी खत्म हो जाएगी इन कानून से, और उनसे आप कह रहे हैं ना बाँव मरोड़ के ले लेते थे MSP, अब तो वो भी बिचौलिया क्या, अब तो सरकार ने ज़्यादा बिचौली छोड़ दिए। पहले तो जैसे मंडियों में था सरकारी के एजेंट थे, सरकार ने लाइसेंस दिए हुए हैं, किसी एक आड़ती ने किसान का शोषण नहीं किया, आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक का रिकॉर्ड है APMC की जो मंडियां किसी आड़ती ने शोषण ही नहीं किया, किसान की फसल चौड़े में बिकती है, सरकार का कोई कानून है नहीं MSP का, तो किसने शोषण किया, सरकार ने किया या उन बिचौलियों ने किया? बिचौलियों के हवाले तो आज किया जा रहा है हमें, प्राइवेट बाजार के हवाले किया जा रहा है किसानों को। नहीं तो हरियाणा में उग्र क्यों हो जाता आंदोलन? सरकार में भी तो कर रहे, पंजाब में भी कर रहे लोग, ये तिकड़मी सरकार है, जहाँ आंदोलन होता है उस आंदोलन को ये दबाने का प्रयास कर रही है, उन्होंने पता शुरुआत यहीं से, पंजाब इस पूरे आंदोलन का केंद्र बिंदु है, इसमें तो कोई शक नहीं है क्योंकि शुरुआत वहाँ से हुई है, उसके साथ हरियाणा खड़ा हो गया। तो सरकार ये चाह रही है कि हम अगर इसको यहीं रोकने में कामयाब हो जाते तो फिर देश में बाकी तो MSP का कोई सवाल ही नहीं है। कैसे जीतोगे इस लड़ाई को, बाहुबल से या बुद्धिबल से? मैं जो कह रहा हूँ
हमने स्पष्ट कर दिया है कि एक तो सबसे अनोखा आंदोलन है ये, 550 किसान संगठन एक छतरी के नीचे है। कहाँ एक छतरी के? संयुक्त किसान मोर्चा में देश के छोटे से बड़े से 550 किसान संगठन इकट्ठे हैं, कोई भी संगठन अलग नहीं है। भारतीय किसान संघ भी अब मांग करने लगा है किसानों को MSP का कानूनी अधिकार दो। हमने तो स्पष्ट ये कह दिया, ये थोड़े दिन में ये भी कहेंगे कि मोदी जी को के काले कानून भी रद्द करो। मैं जो चुनाव की जो बात कर रहा था, आपका जो प्रश्न है उसका जवाब दे दूं, आप बीच बीच में मेरे को डाइवर्ट कर रहे हो। सरकार ये सिर्फ वोट की भाषा समझती है, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने ये फैसला लिया। आप तो राजनीतिक है ना, चुनाव से क्या मतलब आपको? राजनीतिक होना और राजनीतिक होने का कोई मुद्दा नहीं है। क्यों? आप तो हम वोट देते ना, हम जनता है, देश की जनता है, कागज के टुकड़े पे देश नहीं होता, सारे देश की जनता को मिला के देश है। वोट तो पहले भी दिया, आगे भी दोगे, वोट दे ही रहे हो, तो हम कब मना कर रहे हैं? लेकिन जो काले कानून किसने मांगे थे? किसी किसान एक संगठन का नाम बताओ आज तक के इतिहास में कि जिन काले कानूनों की किसी ने मांग की हो। बिना मांगे आप गिफ्ट बताकर, गिफ्ट कंपनियों के लिए है और बताया जा रहा है किसानों के लिए, उनके सर पर जबरदस्ती आप थोप रहे हो। ये पिछली सरकारें पिछले 20 साल से इन कानूनों पे चर्चाएं कर रही हैं, मीटिंगें हो रही हैं, तो ये सब बेकार थी। किन कानूनों पर? कोई आज तो बने नहीं है कानून, ये अचानक से तो आए। हमने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, पहले की सरकारें भी इन कानूनों को लाना चाहती थी, इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी ज्यादा हिम्मत वाला है, कांग्रेस की हिम्मत ना हुई इन कानूनों को लाने की। इनको जो ये आपदा में अवसर कहते हैं ना बार बार में, इनको जो कोरोना काल में जो अवसर मिला है ना उसमें ये ले आया। तो मानते हिम्मत वाले मोदी जी गलत कामों में तो हिम्मत पूरी दिखाते हैं। इन्होंने झूठ बोलने में जो काम जो वादे किए थे ना वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, गोल्ड मेडलिस्ट है झूठ बोलने का। अब आप उसी बात पे आ जाओ, मेरे को जवाब देने दो। ये सरकार सिर्फ वोट की भाषा समझती है। SKM ने केवल 6 सप्ताह पहले पश्चिमी बंगाल में फैसला लिया था कि भाई वोट चाहे किसी को भी दे, राजनीतिक और अराजनीतिक का जवाब भी दे रहा हूँ मैं साथ साथ। हमने किसी को ये नहीं कहा कि फलानी पार्टी को वोट दो, फलाने कैंडिडेट को वोट दो। हमने कहा जो ये 3 काले कानून किसान के सर पे जबरदस्ती से जड़ रही है उनको सजा दो। भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, इनको आप वोट मत दो। और उससे हम ये नहीं कहते 100% हमारी अपील से जो भाजपा हारी बंगाल में, लेकिन हारी में सरकार थी क्या BJP क्या बंगाल? इन्होंने तो कह दिया था हम तो 200 पार कर रहे हैं, पूरी TMC तोड़ ली थी। ऐसे तो आपने कही कि 10 दिन में वापस हो जाएंगे, धन बल सब कुछ कर लिया था। ऐसे तो आप भी कहते हैं ना 10 दिन में वापस कर। नहीं, हमने कभी भी नहीं कहा 10 दिन। पहले दिन आए नो, अभी गोला लाठी दे, अभी कर नो, ये आप मेरे से जबरदस्ती। हमने तो ये कहा था सब, जब शुरू में आंदोलन शुरू होगा 6 महीने की तैयारी के साथ आए हैं। जब आप जैसे पत्रकारों को किसी को नहीं जस्ती थी कि ये किसान 6 दिन भी टिक पाएंगे, और आज 9 महीने हो गए, 9 महीने में तो नहीं सर, आपको नहीं लगता? हर पार्टियां ऐसे तो कहती हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, हम बना रहे हैं, लेकिन 3 सीटें थी BJP की और 73 पे पहुंच जाती है 74 पे, तो जीत तो बढ़त तो हुई ना उसकी, मानते ना बंगाल में। आप ये देखिए लोकसभा चुनाव में उनके पास कितनी सीटें थी? 22 सीटें, तो उस हिसाब से तो उनकी सीट घटी है। 22 सीटों के हिसाब से आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी विधानसभा सीटें बनती है, तो उनकी तो घटी है। आप ये देखो लोकतंत्र में अगर एक भी वोट से अगर सरकार नहीं बना पाती तो वो उस बात पे हम मापदंड हमारा ये है। इन्होंने कहा था यूपी में यही 2 मई दी गई, तो ये किसान ने वहाँ क्लियर करके दिखा दिया कि भाजपा गई। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, अभी हमें आंदोलन को तेज करना है, आंदोलन को सघन करना है। जो इनकी गोदी मीडिया है, आप तो सोशल मीडिया के लोगों, आपका तो हम धन्यवाद भी करते हैं कि आप समय समय पर ईमानदारी से क्वेश्चन करते हो और ईमानदारी पर सच्चाई दिखाते हो, लेकिन गोदी मीडिया तो जो कहती है ना कि आपको किसान नहीं है, ये तो फलाना काम करते हैं, जो इस तरह का भ्रम फैलाया जाता है ना, वो उसी चीज को एक क्रम आगे बढ़ाते। ये जो संयुक्त किसान मोर्चा यूपी में क्या समीकरण कैसे हराओगे BJP को? अरे उत्तर प्रदेश की जनता अब समझेगी, किसान समझेगा। पहली महापंचायत 5 सितंबर को होगी, ये महापंचायत होने जा रही है, और उसके बाद में जो 18 इनके मंडल है उत्तर प्रदेश के अंदर क्षेत्र के हिसाब से, उन 18 के 18 महापंचायत करेंगे, और 2 उत्तराखंड में भी होगी। तो मिशन उत्तर प्रदेश, आपको लगता है इस पंचायत से मानेगी नहीं सरकार? सरकार तो अपने हाथ कटा चुकी है, सरकार कॉरपोरेट घराने में गिरवी रखी हुई है, और जो ये इन्होंने चंदा लिया था, इतने बड़े बड़े प्रचार प्रसार किया था, वो अडानी अंबानी इनको ऐसे थोड़ी जाने देंगे। ये 56 इंची का तो दिखाने में वहाँ तो मुर्गा बनता है अडानी अंबानी के सामने, तो मैं स्पष्ट कह रहा हूँ वहाँ मुर्गा बनता है। नहीं, अपने आका के सामने तो हर कोई मुर्गा बनता है। कौन आका है? आका तो जनता है, लोकतंत्र में जनता को जो आका समझेगा ना वही राज करेगा। हर संगठन का एक आका होता है,
हर संगठन का कोई आकार नहीं होता, जो पार्टी होती है ना उसका एक अपना विचार होता है, उस विचार पे अगर चलेगी तो ठीक है ना, तो जनता उठा के फेंक देगी। आज जो सब इन कामों में, इन काले कानूनों को वापस लेने में जो रुकावट है ना, वो केवल मोदी जी का अहंकार है। और इस अहंकार की दवाई किसान के पास है। ये अहंकार एक बार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को भी हुआ था, उनका भी इलाज कर दिया था इस जनता ने, तो इलाज कर दो, इलाज तो तय है, इलाज तय है। बड़ा इंजेक्शन उत्तर प्रदेश में लगेगा और उसके बाद में आप देखना भाजपा पूरे देश से बिल्कुल सरेंडर हो जाएगी। एक तरह